about the 2's complement subtraction and 1's complement subtraction, right? How we did the 2's complement subtraction? Exactly. Yes. जरा बता बताएं कोई example यहाँ. जैसे अगर हमारे पास 2 और negative 3 इनको subtract करना है. 2's complement इसका करना है. 2's complement अगर हम करेंगे. So 2 will be सीधे. Whatever it is, 0 0 0 1 0, whatever the bits it are, okay. अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं, मान लीजिए 4 बिट्स हमारे पास, 1 2 3, ये हमारा होगा कौन, 2. और नेगेटिव 3 कैसे लेंगे, पहले 3 देखेंगे. जो 3 हमारा होगा, पॉजिटिव 3 जो हमारा है, ये पॉजिटिव 2 था, राइट. पॉजिटिव 3 विल बी 0 0, ये आपका पॉजिटिव 3 है. व्हाट विल बी नेगेटिव 3 इन केस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट, सो बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पॉजिटिव 3. सो हम प्रॉपरली करते हैं, शॉर्टकट तरीके से नहीं. सो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है कि पहले आप किसको 1's कॉम्प्लीमेंट करें, पहले क्या करें, यू रिमेंबर दिस इज द स्टेप्स व्हाट वी डू. फर्स्ट डू द 1's कॉम्प्लीमेंट, ओके. 1's कॉम्प्लीमेंट उल्टा करो, दैट इज 0 0 1 1, और फिर लास्ट में क्या करो, प्लस 1, इज इट. सो 1 1 0 1, दिस विल बी द 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, व्हाट. So if we have 0 0 1 1, so 2's complement, this is 1 0 1 1, right? Last qubit rakhiye sign. So what is the steps? क्या last qubit क्या है? Sign. हाँ. Whatever अब हम जो भी है हमारे पास number है, वो तो zero ही होगा ना last में, जब positive आपका number है. तो जो भी आपका number है, उसका 2's complement करने का है. Shortcut में कहते हैं, जब तक पहला 1 नहीं मिलेगा तब तक 1 लिखो और बाकी फिर उल्टा करो. सो 1 0 1 1 इज़ द आंसर. लेकिन इसको स्टेप्स क्या लगते हैं हमारे पास, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करो, ऐड करो 1, ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट लेगा, ठीक है. फिर आप जो आपका ये 2 है, फॉर एग्जांपल दैट वाज 2 0 0 1 0, और जो आपका 1 1 0 1, ये कहाँ से आ गया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेगेटिव 3 है. फिर इनको आपको सीधे ऐड करना है ना, यू डू नॉट हैव टू सबट्रैक्ट, यू हैव टू ऐड देम. सो दैट विल बी 1. बाइक तो नहीं रखी आपने बाहर. सो दिस इज 0 1 1 1 1 एंड 1. अब आंसर आपका आ गया 1 1 1 एंड 1. इज दिस आंसर, नो, बिकॉज यहाँ पे 1 है, ठीक है. जब यहाँ 1 होता है तो फिर क्या करते हैं, हम 2's कॉम्प्लीमेंट वापस करते हैं, वही था ना. जब आपका यहाँ पे 1 है, बेसिकली दिस इज द नेगेटिव नंबर, और इसका वापस 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं. व्हाट इज 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, स्टेप वाइज करो, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो, दैट इज 0 0 0 0, और प्लस करो फिर क्या, 1. सो दिस विल बी 1 0 0 0. सो यही आता है आपका आपका, यानी कि नेगेटिव 1, आंसर इज नेगेटिव 1, राइट, क्योंकि 2 एंड आपका जो ये है. सो हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसको हम समराइज करेंगे, हम ये बोल रहे थे, लेकिन नेगेटिव माइनस करके ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है. मान लीजिए आपका ये नंबर 6 था, क्या था, अगर आपका नंबर 6 था, 2 नहीं था, यहाँ तो अभी 2 था हमारे पास, 0 0 1 0. अगर मान लीजिए आपका नंबर जो है वो 6 था, दैट इज 0 1 1 0, और नेगेटिव 3 आपका क्या आ गया, 1 1 0 1, यही आया था ना, नेगेटिव 3 नहीं आया अभी पे, 1 1 0 1. अब अगर आप इसको ऐड करोगे, 0 प्लस 1 इज 1 1 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 0 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1 कैरी. इस 1 को क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट में वो डिस्कार्ड, दिस जो कैरी आउट होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं. सो हमारा आंसर है ये, इसका यहाँ पे 0 है ना, अगर 0 है तो यही आंसर है ना. अगर 1 था तो वापस 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू गेट द आंसर, यू गेटिंग मी. सो इफ वी समराइज दिस इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, कि मेरे पास एक ये एडर होने वाला है, ये एडर सर्किट है, ठीक है, और मेरी 4 बिट्स हैं, मान लीजिए
A0, A1, A2 एंड A3 की, ये चार बिट्स हैं, और मेरी चार बिट्स हैं इसकी B0, B1, B2 एंड B3, राइट, चार चार बिट्स हैं, इनको ऐड किया जाएगा और एक कैरी इन होता है कि पुराना कैरी होता है कोई CN, ओके। तो एडर क्या करता है काम, फुल एडर ना, ये फुल एडर है, फुल एडर करते हैं ना तीन बिट्स को ऐड, जैसे आपको फुल एडर लिखा था ए बी और प्रीवियस कैरी, तीन बिट्स को ऐड करता है। सो ये फुल एडर है चार बिट वाला, कितना चार बिट है, चार, यानी कि इसका एक फुल एडर लगेगा यहाँ पे, इसका फुल एडर अंदर से होगा, ये चार फुल एडर्स, सो फोर फुल एडर्स, इट इज एक्चुअली फोर बिट्स को जो ऐड करता है, और ये आपका सी एन ए प्रीवियस कैरी जो आपका है ये वाला, वो ये वाला है ना, तो ये इनको ऐड करेगा, लेकिन ये तो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन तो नहीं करेगा ना। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे ये जो बी ज़ीरो बी वन ये वाले बंदे हैं, कौन से बंदे, ये वाले बंदे हैं, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट में चाहिए, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट में, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन फिर तो वंस कॉम्प्लीमेंट में चाहिए, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे है ना, उसमें ये था कि अगर आपका कैरी आउट वन आता है उसको ऐड करते थे, यही डिफरेंस है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है इसी एडर सर्किट से, ये जो आपका एडर सर्किट है, ठीक है, ये ना आपका एडर सर्किट, इससे आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो आपको ये बी ज़ीरो सीधे नहीं लेने, कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, किसमें, यू गेटिंग माई सिचुएशन। लेकिन मेरा सर्किट जो होता है एडर सर्किट है, ये तो ऐड करेगा ना, तो मैं क्या इसको दोनों काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐड करने के लिए भी और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी। ऑनली डिफरेंस है कि जब मुझको ऐड करना होगा तो B0, B1, B2, B3 जो है सीधे देना पड़ेगा, वो मुझे ऐड करना है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इनका टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना है। एंड व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट, वन इज कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो मैं क्या काम करूँगा, जो परसों हमने कहा XOR का मसला, कि अगर हम XOR गेट को देखेंगे, XOR गेट, राइट, बिल्कुल वही चीज़ करेंगे हम, ए एंड बी, राइट, और ये इसका XOR यहाँ पे, क्या अगर मेरे पास 1011, सो क्या है 00 01 10 एंड 11, और ये तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यही आंसर आता है ना। एंड इफ आई मेक दिस एज माय बी एंड दिस आई मेक इट एस, सिलेक्शन बिट, इज इट अ सम और इट इज इट व्हाट, एंड आई एम सीइंग इफ द एस इज 0, राइट, व्हाट इज आउटपुट इज एग्जैक्टली व्हाट बी इज, ठीक है, कि अगर मैं एस को 0 रख रहा हूँ तो आउटपुट होगा जो वही जो बी है ना, लेकिन अगर मैं एस को 1 रख रहा हूँ, बी का उल्टा बाहर निकल रहा है, 0 का 1, 1 का 0, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, है ना, यानी कि अगर मैं एक्स और गेट यहाँ रख रहा हूँ, ये समझने वाली बात है कि इसको मैं दूंगा एक आउटपुट एस और दूसरा आउटपुट बी, अगर मैं एस 0 रख रहा हूँ व्हाट विल बी आउटपुट इज व्हाट बी इज, तो इससे कोई फर्क, जैसे एज गुड एज ये है ही नहीं बीच में, अगर एस 0 है, एस 0 है, बी इफ बी इज 0 आउटपुट इज 0, इफ बी इज 1 आउटपुट इज 1, सो ये एक्स और गेट बिहेव करेगा जैसे कुछ है ही नहीं बीच में, अगर आपका एस 0 है, तो अगर आपका बी 0 है आउटपुट विल बी 0, अगर आपका बी 1 है आउटपुट विल बी 1, सो इज नॉट एज गुड एज कि बी को कोई आगे है नहीं इफ एस इज 0, बट इफ एस इज 1, बट इफ एस इज 1, अगर आपने एस 1 बना डाला तो अब अगर बी 0 होगा आउटपुट विल बी उल्टा, बिकॉज इफ एस इज 1 हियर, है ना, अगर बी आपका 0 है व्हाट इज आउटपुट 1, अगर 1 है व्हाट इज आउटपुट 0, तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, ये टूज है या वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर इसको टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो फिर प्लस वन करना पड़ेगा। सो मेरी सिचुएशन यहाँ निकल रही है कि मैं जो ये बी है, ये जो बीज हैं, इनको मैं एक्स आर गेट्स आगे लगा लूँ, लेकिन कितने एक्स आर गेट लगेंगे, चार, चार बीज को, फिर एस एक बिट रखूँगा नीचे से जो मुझे ये बताएगी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, अगर मुझे ऐड करना है मैं एस 0 रखूँगा, जब एस 0 होगा एक्स आर गेट बिहेव करेंगे जैसे है नहीं, एज गुड एज लाइक दिस,
बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री। देखिए अगर मैं एस वन रखूँगा एक्सर ग्रेड ऐसे करेंगे जैसे वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो बीज को कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर मुझे खाली एक ऐड करना है, क्योंकि जैसे अभी आप यहाँ देख रहे थे चार बिट्स का आपने किया ना, अभी जो प्लस थ्री आपका था वो ये था, इसको आपने पहले वन कंप्लीट बना दिया चार बिट्स को, और फिर कितने वन ऐड किए, एक वन, चारों को एक वन किया ऐड, और वो बन गया टूज कंप्लीमेंट, राइट। सो ये एक्सऑर गेट तो मुझे वन कंप्लीट बनाएगा, ठीक है, फिर उस इन चारों को एक वन ऐड करने की जरूरत है, वह टूज कंप्लीमेंट बनेगा, बात समझ आ रही है। सो मैं ऐसे नहीं कर सकता फिर कि मेरे जो बी जीरो बी वन है, जैसे मेरा ये बी जीरो है, ये बी वन है, ये बी टू है और ये बी थ्री है, और मैं एक्सऑर गेट्स लगा रहा हूँ आगे, जस्ट अंडरस्टैंड एंड टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट, दिस इज वेरी सिंपल नाउ, और मेरे पास चार एक्सऑर गेट्स हैं, ठीक है जनाब, इन सब को मैं एक इनपुट दे रहा हूँ दैट इज एस, चारों को एक ही इनपुट है, राइट, और यहाँ से आप दे रहे हो अपना बी ज़ीरो, इसको दे रहे हो बी वन, इसको दे रहे हो बी टू, और इसको दे रहे हो। अब नौरीन से पूछते हैं, अगर एस ज़ीरो है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये थ्री था ना, थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ये थ्री था, हाँ, सो अगर एस ज़ीरो है व्हाट विल बी आउटपुट, जीरो, जो बी होगा, सो ज़ीरो, सो इट विल बी एज गुड कि आपके बीच में ये है ही नहीं, है ना, राइट। लेकिन अगर एस वन है व्हाट विल बी आउटपुट, दैट इज वन कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चारों को मुझे प्लस वन करना पड़ेगा ताकि वो निकले किस में, टूज कॉम्प्लीमेंट में, गेटिंग सिचुएशन, ईजी, इट इज वेरी ईजी नाउ। सो ये एस मुझे डिसाइड करेगा कि क्या आपको ऐड करना है या क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यू गेटिंग माई सिचुएशन। इसको कॉपी बाद में करोगे आप, पहले समझो, आई विल गिव द टाइम फॉर कॉपिंग इट, ओके। तो जनाब हम ऐसा काम करते हैं, देखिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये हमारा एक फुल एडर है, ठीक, फोर बिट फुल एडर, इसको हम फीड करते हैं ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री, ये तो सीधे करना पड़ेगा, इसमें हमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, ऊपर वाले का हमें नहीं जाता, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर है वो नीचे वाला है फॉर एग्जांपल, उसको उसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन जो आपका बीज, अगर आप ऊपर वाले का भी काम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके भी काम कर सकते हो, अगर हो सकता है आपका ऊपर वाला भी नेगेटिव है तो उसको भी टू कॉम्प्लीमेंट बना लो, जो हम फिर नीचे वाले को करेंगे वही ऊपर वाले को कर लो, पहले हम सिंपलीफाई कर लेंगे नीचे वाले का काम करने के, जो हमारा नीचे जैसे अभी नेगेटिव थ्री था। सो जो हमारा बी ज़ीरो है और बी वन है और बी टू है और कौन है बी थ्री, इनको आगे क्या लगाएंगे हम, एक्सऑर गेट्स, क्योंकि मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट चाहिए अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब ये कार्टून्स नहीं है, एक्सऑर गेट्स हैं, अब मान ही लो, ओके, तो बी ज़ीरो सीधे नहीं जाएगा, एक्सऑर गेट से जाएगा आगे, ठीक है जनाब, और इन सब को मैं एक इनपुट देने वाला हूँ एस, ठीक है, और ये बी ज़ीरो जाएगा इसको, बी वन जाएगा इसको, बी टू जाएगा इसको, ये साफ साफ बनाना फिर, हाँ, बी थ्री जाएगा इसको। तो जनाब अगर एस ज़ीरो है, एस क्या है, सो व्हाट विल बी आउटपुट फ्रॉम, ए तो सीधे जा ही रहे हैं और ये यहाँ बी भी क्या जाएंगे, सीधे जाएंगे, इट विल बी एज गुड एज देयर इज नो एक्सऑर गेट, सो बी सीधे जाएंगे, आप उनका ऐड कर लो, आंसर निकाल लो, तो एडिशन हो गया। लेकिन अगर आपका एस वन है तो ये एक्सऑर गेट्स क्या करने वाला है, कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री का सबका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, लेकिन वो तो हो गया वन कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ना हुआ, तो प्लस वन करना पड़ेगा। तो जो हम ये हमें आ रहा है ना वन, यहाँ पे कहाँ पे, कहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ यहाँ एस वन आ रहा है जो सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम यही वन सी इन को दे देंगे यहाँ से, जो हमारा सी इन था प्रीवियस कैरी, तो हो गया प्रीवियस कैरी वन ऐड,
देखिए अगर आपके पास जीरो है तो 20 तो सीधे निकलेंगे और प्रीवियस कैरी भी जीरो होगा तो उसका एडिशन जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीन बिट्स का ऐड हो रहा है ना आपको, आपको ए का ऐड हो रहा है, आपका बी का ऐड हो रहा है और प्रीवियस कैरी अगर आपके पास है। अगर आपका वन था, ये वन था फॉर एग्जाम्पल, जीरो था फॉर एग्जाम्पल, वन प्लस जीरो इज़ वन, लेकिन अगर प्रीवियस कैरी जीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी ना, वन प्लस जीरो इज स्टिल वन। लेकिन अगर आपका प्रीवियस कैरी वन है, ये ऐड होगा, ये सी इन जो है वो ऐड होगा, ठीक है, अगर आपका वन है तो मुझे ऐड करना ही है, क्योंकि अगर ये वन है तो एक्सऑर गेट्स पहले बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री का वन्स कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे और आपका ये वन यहाँ से भी ऐड होगा, सो व्हाट विल बी गिवन टू दिस, इट विल बी टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ये नंबर जो आ गया वो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, yes, किस में आ गया, गेटिंग सिचुएशन। और आपका ए जीरो ए वन ए टू यहाँ से आ गया, वो अपना सीधे हैं, यानी कि अगर आपका वन यहाँ पे है वो फिर सब्ट्रैक्ट करेगा ना कि ऐड करेगा, बिकॉज वो ऐड तो करेगा लेकिन इट विल बी टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, बिकॉज यू आर पुटिंग दिस नंबर इन अ टूज कॉम्प्लीमेंट, यू गेटिंग मी। नहीं जा रहा है ना नीचे वालों के, इफ यू वॉन्ट कि आप इनको भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो देन फिलहाल सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे, हम कर रहे हैं टू माइनस फोर, राइट, तो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं इस चीज़ को, बंदे को, है ना, इसलिए ये बंदा मुझे चाहिए किस में, टूज कॉम्प्लीमेंट में, जो माइनस वाला है, नेगेटिव नंबर, दिस इज फिलहाल पॉजिटिव नंबर, यू गेटिंग मी। अच्छा तो व्हाट विल बी आंसर हियर, व्हाट विल बी आउटपुट, आउटपुट विल बी हियर सम जीरो सम वन सम टू सम थ्री और कैरी आउट, जिसके सी इन था इसका सी आउट हो जाएगा, लेकिन सी आउट हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड, है ना, उसको लेंगे ही नहीं, कैरी आउट तो हम डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन जो मेरा सम है यहाँ पे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेरा सम है, जैसे ऊपर हम किया था हमने कि सम अगर यहाँ पे वन आ रहा है, ये बिट अगर वन आ रही है, ये आपका अब है सम ज़ीरो, ये सम वन, ये सम टू और सम थ्री, अगर एस थ्री आपका वन आ रहा है तो भैया जी ये आपका आंसर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है एंड वी हैव टू गो अगेन फॉर द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, इसको फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो यही आंसर है, है ना, जैसे यहाँ पे था, अगर ये ज़ीरो है, बात समझ आ रही है ना, जैसे हमने अभी ये कहा कि अगर हमारे पास टू है, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो और नेगेटिव थ्री है, नेगेटिव थ्री मीन्स वन वन ज़ीरो वन इन इन द, क्योंकि पॉजिटिव का थ्री का मतलब होता है ज़ीरो ज़ीरो वन वन और नेगेटिव थ्री का मतलब टूज का मतलब दिस, दैट इज़ वन ज़ीरो वन वन, राइट, इनको जब आप ऐड करेंगे ये निकलेगा वन 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 वन, लेकिन ये एस थ्री जो अगर वन है तो ये आंसर नहीं, हमें फिर से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमें फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट मीन्स वॉट, डू द वन कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, दैट इज ज़ीरो 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 एंड प्लस वन, ठीक है जनाब, और अगर यहाँ पे कैरी आउट कुछ आया होता उसको डिस्कार्ड करना था, लेकिन अगर इसके बरक्स सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिक्स था और यहाँ थ्री है और यहाँ पे आपको ज़ीरो आ रहा है तो आपको इस नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट करना नहीं है, यही आंसर है, इसी को आगे चलाना है। सो यानी कि हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ अभी, हमें अब देखना पड़ेगा इस बिट को, एस थ्री बिट को, कि क्या ये एस थ्री बिट आपकी ज़ीरो है या वन है, है ना, अगर ये ज़ीरो है तो आंसर यही है एस ज़ीरो एस वन एस टू एस थ्री, दिस इज़ द आंसर, लेकिन अगर ये एस थ्री वन है तो वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट दिस एस ज़ीरो एस वन एस टू एस थ्री, तो बहरहाल अगर ये वन है यहाँ पे, ठीक है, ओके, अगर एस थ्री वन है वो तो लास्ट में ज़ीरो ही आएगा फिर, चाहे कुछ भी हो। देखिए अगर आपका ये है ना, यू हैव टू एडिट, अगर आप ऐड करो इसको, आंसर देखो क्या आएगा, जब ना यहाँ पे वन था, कहाँ पे, जब ये बिट वन थी, ये बिट वन थी ना, सो जब ये बिट वन थी आंसर विल बी, आपका टूज कन्वर्ट किया और प्लस वन किया, दैट विल बी ज़ीरो 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 वन, और ये ज़ीरो ही आएगा ना, दिस विल बिकम ज़ीरो। अच्छा अब इसको देखो, जब ये ज़ीरो था लास्ट में तो ये ज़ीरो ही है, सो एस थ्री हमेशा लास्ट में ज़ीरो ही आएगा, चाहे आपका नेगेटिव था या पॉजिटिव था,
यहाँ पे लास्ट में जीरो आएगा, वो हमेशा इट विल बी ऑल द टाइम जीरो। यानी कि जब ना लास्ट आंसर निकालोगे आप, क्योंकि आपका आंसर पहले ये निकला था लेकिन इसमें ये बिट वन थी, इसको टूज करके आपने ये निकाला तो यहाँ पे ये जीरो निकल गया। फिर क्या निकलेगा यहाँ से, उसको छोड़ो, लेकिन एस थ्री विल बी ऑलवेज जीरो एंड हियर ऑल्सो एस थ्री ऑलरेडी जीरो, क्योंकि इसको लास्ट में जीरो बिट निकली है तो इसको तो आगे हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अगर वन है तो हाँ, आप बताओ यहाँ पे कि अगर मेरा एस थ्री जीरो है व्हाट इज आंसर, सेम एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री वही आंसर आएगा। लेकिन अगर एस थ्री क्या है, वन है तो टूज कम करना पड़ेगा। लेकिन टूज कम करेंगे जब एस थ्री वन होगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे किया, जैसे एस के वन ने डिसाइड किया कि मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, ये किसने मुझे बताया, एस के वन ने। अगर एस का जीरो है तो वो सीधे निकलेगा, तो एस यहाँ पे एस थ्री ही काम करेगा कि अगर एस थ्री जीरो है मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, अगर एस थ्री वन है तो कॉम्प्लीमेंट करना। तो ये तो फिर से एक्स ऑर गेट का पंगा आ गया ना। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड ऑल्सो पुट हियर द एक्स ऑर गेट, अनदर एक्स ऑर गेट, सेट ऑफ एक्स ऑर गेट, चार एक्स ऑर गेट रखेंगे आगे, ठीक है। इनफैक्ट तीन ही रखेंगे, चौथे की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा जीरो आएगा ना, इस पर ऑलवेज जीरो। और ये एस थ्री जो है सबको देंगे, ठीक है, और आपका एस जीरो इसको देंगे, इसका एस वन देंगे, इसको एस टू देंगे। अब बता मुझे, अगर एस थ्री वन होगा, अगर एस थ्री जीरो होगा, दिस विल बी एज गुड एज देर इज नो एक्स ऑर गेट एंड दिस इज द, ये आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एस थ्री वन हुआ तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है और इसको फिर क्या करना पड़ेगा, वन ऐड। तो इसलिए हम एक और यहाँ पे एडर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वन ऐड करना है ना हमें थोड़ा सा। मैं बताऊँगा अभी, एक मिनट ठहराओ, ये मैं उल्टा उल्टा जा रहा हूँ ना, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मैं सीधे क्यों नहीं लिखता, मैं पहाड़ पे चढ़ता हूँ मैं। अच्छा क्या बता रहे हैं आप, ये पता नहीं चलने की, अगर जीरो है कैसे पता चलेगा जीरो, जो होगा हमें पता करने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो होगा तो आंसर यही आगे जाएगा, अगर वन होगा तो ये खुद ही इसको उल्टा कर लेगा, हमें आंसर की वास्ता है ना। अब जीरो है या वन है हमें नहीं पता, अगर जीरो है ये एक्स ऑर गेट एज गुड एज के एक्स ऑर गेट होंगे नहीं, आपका आउटपुट सीधे निकलेगा एस जीरो एस वन एस टू। लेकिन अगर ये वन हुआ तो ये एक्स ऑर गेट्स इनको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो फिलहाल यहाँ से निकलेगा एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट, एस वन का कॉम्प्लीमेंट, एस टू का कॉम्प्लीमेंट, अगर एस थ्री क्या था, वन है, और जो लास्ट वाली बिट है, ठीक है, जो लास्ट वाली बिट है वो तो एस थ्री होगी ना, ओके okay? या उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, दिमाग लड़ाओ यार, लास्ट वाली बिट सर अगर वन है क्या उसको एडर को देंगे हम, वो तो जीरो ही होगी ना कॉम्प्लीमेंट, इसको इसको कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पे आ जाएगा ये एस थ्री, हमेशा जीरो ही होगा, लास्ट वाली बिट हमेशा जीरो ही होगा, वो आंसर में आ जाएगा। पहले यहाँ देखो अब क्या आ जाएगा, ये चार बिट्स में ऐड करने हैं ना, इसको चार बिट भी एक बाकी है, ये सोचो, और इसको और चार बिट चाहिए, एक दो तीन और चार ऐड करना है ना हमें, ऐड के क्या करना है वन। सो हम यहाँ पे जीरो देंगे, यहाँ जीरो देंगे, यहाँ जीरो देंगे, ठीक है, और ये एस थ्री सीधे इसको देंगे। अगर एस थ्री वन है, क्या है, तो यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो फिर समझाएगी, आपका ये तो सीधे आपका टू था ना, ये टू था, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, ये आपका थ्री था, ज़ीरो ज़ीरो वन वन। लेकिन अगर मान लीजिए आप सब्ट्रैक्शन करना, अगर एडिशन करना तो फिर कोई ये बीच में आएगा नहीं कुछ, ये सीधे निकलेगा ज़ीरो ज़ीरो वन है ना। अगर सब्ट्रैक्शन करना है वन है तो ये इसको पहले कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना, यहाँ पर निकलेगा वन वन ज़ीरो ज़ीरो, और ये बंदा इसको वन ऐड करेगा। सो बेसिकली दिस विल बी नाउ व्हाट, क्योंकि हाँ क्या आएगा, वन वन ज़ीरो वन,
ऐड होगा ना ये वन यहाँ से, ये वन इसको भी ऐड होगा ना। सो ये टूज कंप्लीट बन गया, आप ये बन गया टूज कंप्लीट, किस चीज़ का, इस चीज़ का। अब इन दोनों को आपस में ऐड होगा, सो व्हाट विल बी आउटपुट, जीरो प्लस वन, ये ऐसे हुआ ना। अब ये आपका टू सीधे हैं लेकिन नेगेटिव थ्री इन्हें टूज कंप्लीमेंट है, दैट इज वन वन जीरो वन। सो व्हाट विल बी आउटपुट, वन 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 वन, सो आउटपुट इज वन 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 वन। चूँकि ये तो एस थ्री वन है इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, है ना। सो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो आप, इसको तो वन कॉम्प्लीमेंट करना है ना, दैट विल बी ज़ीरो 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 और फिर इसको प्लस, तो ये बिट क्या होने वाली है यहाँ पे, ज़ीरो न कि वन, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, डायरेक्ट ज़ीरो, चौथी बिट जो है। तो ये तो वन, अगर ये वन है यहाँ पे, एस थ्री वन है, तो ये तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा या सीधे छोड़ेगा इसको, सो इट विल बी व्हाट हियर, ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, राइट। एंड दिस वन गोज हियर, है ना, तो ये नंबर क्या आपका है, ज़ीरो 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 वन। तो ये एडर आप किसको ऐड करेगा, ज़ीरो 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 प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। सो अब आपका ये होगा कि ज़ीरो 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 और ज़ीरो 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 वन, ये इसको ऐड करेगा और आंसर विल बी ज़ीरो 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 वन, राइट। सो आंसर विल बी हियर, एस ज़ीरो एस वन एस टू एंड एस थ्री, और कैरी आउट अगर कुछ निकलता है उसको डिस्कार्ड करना है, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर नाउ, दिस विल बी ज़ीरो 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 वन एंड वी गॉट द आंसर। नहीं समझ आया, ये बिल्कुल, आप पहले ये एग्जाम्पल देखो कैसे किया आपने, ठीक है, दिस एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड हाउ यू डिड दिस एग्जाम्पल, राइट, एंड देन यू वर्क ऑन दिस एंड वी गॉट एग्जैक्टली आवर आंसर। बिकॉज अब अगर आपको यहाँ पे ज़ीरो निकलता, देखिए अगर आपको यहाँ क्या निकलता, जैसे ना वो सिक्स का मसला था, अगर यहाँ पे आपका सिक्स होता वन वन, ठीक है, सो आंसर वुड हैव बीन वन और ज़ीरो इज़ वन, दिस वन एंड ज़ीरो इज़ वन, दिस वन एंड ज़ीरो इज़ वन, दिस वन एंड वन इज़ ज़ीरो एंड वन इज़ कैरी आउट, वो तो डिस्कार्ड होगा। अब एस थ्री तो ज़ीरो है ना यहाँ पे, अगर एस थ्री ज़ीरो है, ये एक्स और गेट एज गुड एज की है ही नहीं, ठीक है, ये बिहेव करेंगे जैसे ये है ही नहीं। तो व्हाट विल बी आउटपुट हियर, एक मिनट, अच्छा ये तो यहाँ पे ज़ीरो तो है ना, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस वन, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस वन, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस वन, और ये तो ज़ीरो है ही, वो लेने की जरूरत है, और ये ज़ीरो जाएगा इसको भी। सो अब आप वन 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 ज़ीरो को ऐड करो, ज़ीरो 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 ज़ीरो, है ना, अब वन 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 ज़ीरो को ऐड करो ऑल ज़ीरोज, इट विल बी एज गुड एज दैट थिंग, सो आउटपुट भी सेम, जो यहाँ पे आपका आउटपुट आया ये वाला, यही आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कोई, जैसे ये इसने काम ही नहीं किया, ना ये काम करेगा उस वक्त, ना ये काम करेगा, सीधे यही जो आउटपुट होगा वही बाहर आएगा। सो एडिशन में तो वही चाहिए हमें, या अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो वही आंसर है, लेकिन अगर यहाँ पे वन है तो पहले इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और यहाँ से ये वन इसको जाएगा और ये प्लस वन करके टूज कम्प्लीट बनाएगा और इनको आपस में ऐड होगा और वही आंसर आ जाएगा। गेटिंग मी, यू जस्ट